पंजाब में हुकूमत साजी का फाइनल राउंड, जहांगीर तरीन और अलीम खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। वज़ीर आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत। पंजाब में ऐसा निज़ाम देंगे कि लोग दंग रह जाएंगे। शहबाज शरीफ ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। जहांगीर तरीन और परवेज लही की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में तहरीक इंसाफ नंबर गेम की दौड़ में सबसे आगे। पीटीआई और इत्तेहादियों का स्कोर 189 पर पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 171 नंबर। पंजाब के तीन हलकों में इलेक्शन मुलतवी, तीन के नतायज रोके गए। एनए 131 में कप्तान की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार कौन? ज़िमनी इलेक्शन के लिए वलीद इकबाल और हुमायूं अख्तर आमने सामने। ग्रीन सिग्नल मिलने से कबल ही दोनों रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम, हतमी फैसला क़यादत के सुपुर्द। इतवार की छुट्टी, कुर्बानी के जानवर खरीदने का खसूसी प्लान। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, शहर भर में 7 मवेशी मंडियां लग गई। दूसरे शहरों से कुर्बानी के जानवर पहुंच गए, रौनकें दुबाला। ग्राहकों और व्यापारियों में भाव उतार, कीमतें आम आदमी की पहुँच से दूर। हज का चांद नजर आने का आज का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेश गोई, चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अजहा 22 अगस्त बुध को होगी। और मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। हर तरफ योम आज़ादी की खुशियाँ, गलियों बाजारों और घरों की छतों पर सब हलाली परचम लहराने लगे। मिली नख्मों की गूंज, बच्चे आज़ादी की खुशियों में सबसे आगे। कौमी परचम, झंडियों और बैजेस के फरोख्त में इजाफा।